बिस्मिल्लाह रहमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। सुबह 8:32 हैं, चेयर लिफ्ट बामुकाम मरी मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहे हैं कि चेयर लिफ्ट खुले। टाइमिंग इनकी 9:15 की चेयर लिफ्ट खुले, एंट्रेंस हो और हम लोग फ़ौरन से इस्तफादा करें। मैसेज है मेरे साथ। तो अभी जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये मैं मुखातब हूँ बराह रास्त अपने कोलीग, स्पेशली अपनी मैडम ओआईसी, अपने WO आसिफ साहब और नासिर साहब WO मेरे, और मेरे कोलीग स्पेशली कलीमुल्ला असिस्ट करते हैं मुझे, शकूर साहब। तो ये हमारे शकूर साहब नायब कासद हैं, बड़े प्यारे हमारे, वो असिस्ट करते हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं और माशाल्लाह बाज़ोक बहुत ज़्यादा हैं ये। इन्होंने एक नज़म मुझे सुनाई थी, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई, इंडियन सॉन्ग है, बड़ा प्यारा सॉन्ग है, मैंने सुना है और बार बार सुना है। तो उस पर भी कभी मैं आपसे उसकी फीलिंग्स, उसके तासरात शेयर करूँगा। तो अभी बराह रास्त अपने कोलीग्स को मुखातब करने की एक वजह ये है कि ये सेंसर कह लें या परमिशन मैं OIC के बाद ही मैं अपलोड कर पाऊँगा अपने चैनल पे। तो अभी कुछ बातें हैं जो मैं अपने कोलीग से रिलेटेड, अपने जो मेरा ऑफिस है उससे रिलेटेड मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो वो अगर परमिशन मिलती है उन लोगों से तो फिर मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप है ऑफिस, अभी न्यूली बोर्न कह लें हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है। तो उसमें मैंने अपने OIC से सब जब बात की तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई आप शेयर करें अपने ग्रुप में, चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर वो पॉजिटिव उनको लगती हैं मेरी ये वीडियो और ओके करते हैं तो फिर मैं अपलोड करूँगा। तो एक और नाम मैं भूल रहा हूँ अपने OIC अमानुल्लाह साहब, तो उनको भी मैं मुखातब कर रहा हूँ कि सर आप लोगों की इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त, आप लोगों की, अगर आप लोगों के ऊपर उंगली उठती है तो वो बराह रास्त मैं सबसे पहले मैं महसूस करूंगा कि मेरे पे उठती है। मेरे काम में कोताही नहीं होगी, वर्किंग मैं और इम्प्रूव करूंगा, वर्किंग स्टाइल को मैं इम्प्रूव करूंगा, एग्रेशन को कम करूंगा, ऑफिस को टाइम दूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसा करूँगा। तो ये मैं आज कमिटमेंट कर रहा हूँ अपने इस चैनल में। तो माजी में जितनी एग्रेशन दिखाई उसका भी एक पूरा मेरे नज़दीक एक फ़लसफ़ा है, रीज़न है, तो वो तो है ही है। अभी ये एक नया फेज़ है जिस पे मैं वो यूट्यूब पे आया हूँ, और ये एक ऐसा मेरा एक स्टेज कह लें, फेज़ कह लें, जिस पे वो इसको आप प्री प्लान कह सकते हैं कि बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जी मैं बड़ी प्लानिंग से चल रहा हूँ आगे, जो भी कहना चाहें कि, मगर बी पॉजिटिव कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। वो एक फेज़ था जिसमें मैंने एग्रेशन दिखाई, वो मैंने लड़ा अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो चीज़ें देखी सही या गलत, तो उनको सही करने के लिए मैंने अपनी एक क्या क्या कहना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने की तौफीक दी है अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, खुदादाद सलाहियतों के मुताबिक, बंदा देखता है कि सही क्या है गलत क्या है। जब सही को गलत को डिसाइड कर लेता है तो उसके बाद उसने रिएक्शन देना होता है। अमूमन हमारा अलमिया यही है कि हम नस्ल को हम इग्नोर करते हैं, रास्ते पर पत्थर पड़ा हुआ है, बुरा भला कहेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे, उस पत्थर को उठा के साइड पर नहीं करेंगे, कचरा है डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, कहेंगे कि जी सफाई सुथराई नहीं है। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको नहीं देखते, नहीं कर पाते, नहीं करते, मगर कोसते हैं अरबाब इख्तियार को। तो अगर हम चाहे बींग अ सोसाइटी, बींग अ मुस्लिम एज अ सोसाइटी, अगर हम इन चीज़ों को सही करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरा एक था, मेरा एक ओपिनियन है, आप लोग उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, नहीं आप यहाँ गलत हो, आपके यहाँ आप आउट ऑफ वे चले जाते हैं, या आप अपना बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ, उनको मैं बेहतर करने की कोशिश भी करता हूँ।
तो बहरहाल वो चीज़ें हैं ही हैं। तो अभी मैं आपसे इसलिए मुखातब हूँ कि मैं अभी जो है मैं तो अभी चल पड़ा एक नए ट्रैक पे, तो ट्रैक कैसा है, किस तरह से है, मैं इंतज़ार में था कि ये ट्रैक मुझे कब मिलेगा। तो वो जो मेरी आप नज़म है जो मैं आप लोगों से अपने चैनल पे तो शेयर कर चुका हूँ, PHNSI पर मैं मुजफ़्फ़राबाद जाते हुए कश्मीर में मैंने पढ़ी थी, वो भी एक्सीडेंटली थी। वो जब हाइकिंग के लिए मैं गया मुझे 10-15 मिनट मिले, जैसे आज अभी मिले, सुकून का टाइम है, पुरसकून माहौल है, परिंदों की चहचहाट है, कभी कभार कोई गाड़ी गुजर जाती है क्योंकि रोड है, जब रोड बन गया तो आपकी नेचर तबाह हो गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी ने उस नेचर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ग्रेजुअली और फास्टली जो भी है। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल क्योंकि सुबह का टाइम है, रात 2-3 बजे तक तो लोग मार रोड पे थे, तो अभी लोग सब सो रहे हैं, तो मैंने तो कोशिश की 1-2 घंटे की नींद करके तो उठ गया। तो अब उस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मुझे इस फोरम पे करें, मेरी बैकअप करें, मेरे साथ खड़े हों। अगर आप लोग मुझे तनकीद करते हैं या मुझे डिसार्ट करते हैं तो मैं कदम बाखुदा के नहीं चल पाऊँगा। हाँ, अगर आप लोग मेरी कोताहियों को, गलतियों को, जो डिफरेंट ओपिनियन की वजह से मैंने आप लोगों के साथ एग्रेशन दिखाई मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइम में, उस वजह से अगर आप कोई मेरे साथ नहीं चलते या मेरी हौसला अफजाई नहीं करते तो वो मेरे लिए भी बड़ी तकलीफ दे बात होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को साइड पे करके मेरे साथ इस तरह चलें कि मेरी कम अज़ कम इस फोरम पे हौसला अफजाई करें। जब आप लोग हौसला अफजाई करेंगे तो यकीनन फिर मैं आगे बेहतर तरीके से चल पाऊँगा। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश थी, और आप लोग अगर इस मेरी इस काविश को समझते हैं, ओके करते हैं, तो फिर मैं इसको आगे अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो फ़िलहाल अभी आप लोगों से मुखातब करने का ये था कि माजी में जो कुछ हुआ, अभी मैंने एक वीडियो में वो अभी अपलोड नहीं की, उसमें बेगम साहिबा को मैंने उनके माजरत की है, ऑन रिकॉर्ड आ गया वो भी दूसरे स्टेज जो है, क्योंकि मेरी जो OIC हैं उनके अल्फाज हैं मेरी बेगम के बारे में कि जनती औरत है, तो जनती औरत मैंने कहा है, एक मेरी बेगम ही नहीं है, मेरी बहनें भी हैं, मेरी कोलीग्स हैं वो भी जनती हैं, मेरे भाई जो कोलीग हैं वो भी जनती हैं क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैडम आप भी जनती औरत हैं, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला और आपको तरक्की दे, आपकी फैमिली को और ज़्यादा खुश व खुर्रम रखे, आपकी सुपरविजन में अल्लाह करे हमारा हाफिज और ज़्यादा मजबूत हो, और जो कोई कमियां हैं काम में हमारे वो हम बेहतरी की तरफ जा सकें। इंशाल्लाह मेरी फुली कोऑपरेशन एज अ सीनियर एडिटर आपके साथ होगा। तो बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो अभी आप खुश रहें, मेरी छुट्टी CL तो ख़त्म हो गई है, तो आसा साहब ने परमिशन दी है मेरी LFP करें, तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।